नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें कि AIAPGT, स्टेट PSC के एग्ज़ाम एंड UPSC के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम सभी आने वाले हैं। तो इसके लिए अपन ने एक रिविज़न स्टार्ट किया है, जिसमें आपको MCQs देखने को मिलेंगे। तो रिविज़न के फर्स्ट पार्ट में अपन ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स। और जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके रिवीजन के फर्स्ट पार्ट को जरूर जाकर देखें, तभी उनको ये सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो रिवीजन के फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। और ये सभी MCQs फ्रेंड्स आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी इसके MCQs को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज्ड एज एन एंटीडोट इन ग्लास पाउडर पॉइजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज्ड एज एन एंटीडोट इन ग्लास पाउडर पॉइजनिंग। बल्की फूड, एक्टिवेटेड चारकोल, डिमिसलेंट एंड द चैल्टिंग एजेंट। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन है बल्की फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, आफ्टर ए माइनर हेड इंजुरी अ यंग पेशेंट वॉज अनेबल टू क्लोज हिज लेफ्ट आई एंड ए हेड ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम लेफ्ट एंगल ऑफ माउथ, ही इज ए सफरिंग फ्रॉम विच नर्व इंजुरी। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं अपन एक बार, आफ्टर ए माइनर हेड इंजुरी अ यंग पेशेंट वॉज अनेबल टू क्लोज हिज लेफ्ट आई एंड हैड ए ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम लेफ्ट एंगल ऑफ माउथ, ही इज ए सफरिंग फ्रॉम विच नर्व इंजुरी। ठीक है, थर्ड नर्व इंजुरी, फिफ्थ नर्व, सेवन्थ नर्व या थर्ड एंड सेवन्थ नर्व। तो किस नर्व की इंजुरी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, सेवन्थ नर्व इंजुरी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, पेशेंट ऑन रूटीन एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन वॉज सीन हैविंग एन एक्स्ट्रा रिब, द मोस्ट प्रोबेबल आर्टरी विच कैन बी कंप्रेस्ड इज। अ पेशेंट ऑन रूटीन एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन वॉज ए सीन हैविंग एन एक्स्ट्रा रिब, द मोस्ट प्रोबेबल आर्टरी विच कैन बी कंप्रेस्ड इज, सबक्लेवियन आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या बैसिलर आर्टरी। तो मोस्ट प्रोबेबली किस आर्टरी के चांसेस हैं कंप्रेस्ड होने के, राइट आंसर क्या आएगा, सबक्लेवियन आर्टरी के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ऑल आर इफेक्ट ऑफ सिंपथेटिक स्टिमुलेशन एक्सेप्ट, ऑल आर इफेक्ट ऑफ सिंपथेटिक स्टिमुलेशन एक्सेप्ट, इंक्रीज कॉन्टलिटी ऑफ द हार्ट, इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड, increase heart rate and the increase conduction velocity, all are effect of sympathetic stimulation except पूछा गया है। तो right answer क्या आएगा, option B, increase refractive period। next देखते हैं question number 55, which of the following remedy is given after anika in traumatic affection of ovaries, which of the following remedy is given आफ्टर आनिका इन ट्रोमेटिक अफेक्शन ऑफ ओवरीज, बेलिस्पनिसिस, कोनियम मैक, सोराइनम एंड द हेमामेलिस। तो कौन सी मेडिसिन है वो, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोराइनम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स कंटेन डेविडसन बॉडीज। ठीक है, इन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स कंटेन डेविडसन बॉडीज, इसनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, आप लोग भी अपने आंसर टिक करते जाइए और लास्ट में देखिएगा आप कितने क्वेश्चन इसमें से आप अटेम्प्ट कर पाए हैं और आपको किस लेवल की अभी तैयारी की ज़रूरत है, तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिंगरप्रिंट पैटर्न अकर्स इन केस ऑफ, परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न अकर्स इन केस ऑफ लेप्रेसी, रिकेट्स, एक्जिमा एंड द एक्रोमेगली। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, लेप्रेसी में अपन को दिखेगा परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ द फिंगरप्रिंट पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्लियर दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज द असर्टेन ए एंड अदर एज द रीजन आर। यू आर टू एग्जामिन द टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड द सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, एक ए से असर्टेन है एंड आर से रीजन दिया गया है, जिसे कि अपन हिंदी में कथन एवं कारण कहते हैं। तो उस कथन और कारण को आपको सही आंसर बताना है। कथन क्या कहा गया है? ड्यूरिंग ए ड्रग प्रूविंग ऑल सैलेड एंड मेडिसिनल हर्ब्स सूप शुड बी टेकन रेगुलरली, एंड द रीजन क्या है? डाइट शुड बी प्योरली न्यूट्रिशियस एंड द सिंपल कैरेक्टर ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग। तो ये दो कथन एवं कारण दिए गए हैं, तो इसमें से आपको सही बताना है। ठीक है, तो बोथ एस एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस, मतलब कथन एवं कारण दोनों सही हैं और जो आर जो एक्सप्लेन कर रहा है एस के बारे में, क्या वो दोनों सही एक्सप्लेन कर रहा है? जो एस में कहा गया है कथन को, क्या कारण उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है? नेक्स्ट क्या है? बोथ एस एंड आर इज इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज ए नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस। थर्ड क्या दिया गया? सी इज ए फॉल्स, एस इज ए फॉल्स एंड आर इज ए ट्रू। एंड डी क्या है? एस इज ए ट्रू एंड आर इज ए फॉल्स। तो आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, कथन एसर्टन क्या क्या गया है? ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग ऑल द सैलेड्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स सूप शुड बी टेकन रेगुलरली एंड द डाइट शुड बी प्योरली न्यूट्रिशियस एंड द सिंपल कैरेक्टर ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या है? एस। ठीक है, एस इज ए फॉल्स एंड आर इज ए ट्रू, मीन्स राइट आंसर है सी, एस इज ए फॉल्स एंड आर इज ए ट्रू। जो कथन कहा गया है कि डेली ड्रग प्रूविंग के दौरान पेशेंट को सैलेड एंड मेडिसिनल हर्ब सूप देना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और ये सभी ड्रग प्रूविंग के दौरान नहीं दिया जाना चाहिए। डाइट कैसी होनी चाहिए? प्योरली न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, सिंपल कैरेक्टर की होनी चाहिए, कोई भी उसमें मेडिसिनल हर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो राइट क्या है आंसर? आर इज़ द राइट एंड एस इज ए फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आजकल इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, AIEPGT में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, उसको भी अपन कभी आगे चल के फिर से एक बार सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। द ईयरलीस्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ ऑटोलिसिस इज ए सीनिन, द ईयरलीस्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ ऑटोलिसिस इज ए सीनिन, कॉर्निया, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा एंड द आइरिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन द डायग्नोसिस ऑफ केस ऑफ इंडोमेट्रियम। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन द डायग्नोसिस ऑफ केस ऑफ इंडोमेट्रियोसिस, अल्ट्रासाउंड, MRI, लैप्रोस्कोपी एंड द कलर ड्रॉपलर। तो राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा अपन डायग्नोसिस करेंगे इसके लिए? लैप्रोस्कोपी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द ड्रग पावर ऑफ क्लास 3 ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इज, द ड्रग पावर ऑफ क्लास 3 ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इज 1/2, 1/6, 1/10 एंड द 1/100। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज ए गिवन। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को पता है, अपना राइट आंसर टिक कर लीजिए। जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज ए गिवन एट बर्थ बिफोर गिविंग ए DPT वैक्सीन, व्हेन द चाइल्ड इज हैविंग ए डायरिया एंड व्हेन द चाइल्ड इज हैविंग ए पोलियो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आप सभी को पता है एट बर्थ के टाइम अपन जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लेप्रेसी कॉमनली स्प्रेड बाय मिल्क, ड्रॉपलेट, वाटर एंड मॉस्किटो। लेप्रेसी कॉमनली स्प्रेड बाय, राइट आंसर इज ड्रॉपलेट, इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सिस्टोलिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय पल्स रेट, डायस्टोलिक प्रेशर बाय पल्स रेट एंड द पल्स प्रेशर बाय द पल्स रेट। तो राइट आंसर क्या आएगा? ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्डियक आउटपुट इनटू मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रॉन्गली मैच्ड पेयर, ठीक है, इसमें से रॉन्ग मैच पेयर कौन सा है?
ऑप्शन ए क्या है, इलेक्ट्रिक अल्ट्रेंस विद कार्डियक टेम्पोनेंट, पल्सेस अल्ट्रेंसेस इन द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, वैलेंस सिंड्रोम इन अनस्टेबल एंजिना एंड द इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस इन द रोज स्पॉट्स। तो इसमें से रॉन्ग मैच क्या है, तो रॉन्ग मैच है अपना राइट आंसर टिक कर लीजिए आप लोग पहले ही। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस में रोज स्पॉट देखने को नहीं मिलता है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके राइट हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसके लिए रॉन्ग मैच आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चिल्ड्रंस गेट सिक इन द इवनिंग व्हेन द सिटिंग बिफोर एन ओपन कोल फायर और द फॉलिंग एस्लीप देयर, दिस सिम्टम बिलोंग टू विच रेमेडी। चिल्ड्रंस गेट सिक इन द इवनिंग व्हेन सिटिंग बिफोर एन ओपन कोल फायर और ए फॉलिंग एस्लीप देयर, दिस सिम्टम बिलोंग टू विच रेमेडी। ग्लोनाइन, नेट्रम का, पैरामेट एंड पैलाडोना। तो राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए आप लोग। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, आप लोग पढ़े भी होंगे, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे होंगे इस सिम्टम को, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। तो ये सिम्टम किस में देखने को मिलता है अपन को, ग्लोनाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67। मैलरी बॉडीज आर कंपोज ऑफ, मैलरी बॉडीज आर कंपोज ऑफ प्री क्रिएटिनिन, नीट्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोट्रिब्यूल्स एंड द विमेंटिन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, मैलरी बॉडीज आर कंपोज ऑफ किससे बनी होती हैं, प्री क्रिएटिनिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ये ऑप्सगानी से रिलेटेड है। ब्रिज विद एक्सटेंडेड लेग इज ऑल्सो नोन एज, ब्रिज विद एक्सटेंडेड लेग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैक्स ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज, फ्लोटिंग, फुटलिंग प्रेजेंटेशन एंड द नी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ब्रिज विद एक्सटेंडेड लेग इज ए नोन एज, क्या कहेंगे उसको अपन, राइट आंसर इज फ्रैंक ब्रिज, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। फेलियल चेस्ट इज ए डिफाइंड अस्ट, फेलियल चेस्ट इज डिफाइंड अस्ट ब्लंट मायोकार्डियल इंजुरीज, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, इंजुरी टू वन रिब एंड थ्री और मोर रिब्स फ्रैक्चर इन टू मोर प्लेसेस। तो किस कैसे कहेंगे अपन इसे, राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, थ्री और मोर रिब्स फ्रैक्चर इन टू और मोर प्लेसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बिशॉप्स स्कोर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, बिशॉप्स स्कोर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है, हेड स्टेशन, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड द सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अ पॉजिटिव निकोलोंसकी साइन विल बी फाउंड इन केस ऑफ लिंकन प्लेनस, सोरियसिस, पेफिंगस एंड द एसएलई। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी, पेफिंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ सिमिलरिटी एज इज सजेस्टेड बाय जोसलिन इन मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपर्टरी, कैन रिपर्टरी, बोनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी एंड द नर रिपर्टरी। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, बोनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक। कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ सिमिलरिटी एज ए सजेस्टेड बाय जोसलिन इज ए मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपर्टरी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग के, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग कई बार किए भी होंगे। जे टी कैंट, हॉर्स, पैरासिलस, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, सीरीज इन डिग्री एंड द ऑर्डर सप्रे। तो क्या आएगा, मैचिंग कर लीजिए आप लोग, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, 73 का ऑप्शन बी। ठीक है, जेंट जे टी कैंट का क्या था, सीरीज इन डिग्री, हॉर्स का क्या था, ऑर्डर सप्रे एंड द पैरासिलस के डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। तो क्या है, बी सी ए, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74। अमंग द फॉलोइंग मेमोग्राफी फाइंडिंग विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अमंग द फॉलोइंग मेमोग्राफी फाइंडिंग विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्या क्या ऑप्शन दिए गए देखते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए, एसिमेट्रिक थिकनिंग ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, अ सॉलिड मास विथ विदाउट स्टेलेट स्टेलेट फीचर एंड द क्लस्टर्ड माइक्रो कैल्सिफिकेशन एंड द मैक्रो कैल्सिफिकेशन। ठीक है, एसिमेट्रिक थिकनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, अ सॉलिड मास विथ और विदाउट
सेटेलाइट फीचर्स, क्लस्टर्ड माइक्रो कैल्सिफिकेशन एंड द मैक्रो कैल्सिफिकेशन एमंग द फॉलोइंग मेमोग्राफी फाइंडिंग विच इज नॉट सीन इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, क्लस्टर्ड माइक्रो कैल्सिफिकेशन आपको दिखाई नहीं देगा इन मेमोग्राफी फाइंडिंग में। नेक्स्ट देखते हैं फिर से मैच द फॉलोइंग का, ये भी बहुत ईजी है, आप लोग कई बार सॉल्व किए होंगे। चलिए मैच करते हैं इसको, आप लोग भी मैच कीजिए मेरे साथ साथ और अपना राइट आंसर टिक कर लीजिए। ठीक है, रॉबिन मर्फीज रिपर्टी कितनी थी, बोरिक रिपर्टी, जे एच क्लार्क रिपर्टी और सिंथेटिक रिपर्टी ने क्या क्या ग्रेडेशन दिए थे। ठीक है, ये चार रिपर्टरी दिए गए एक साइड में और इसमें ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन है, तो इसको अपन को चूज करना है। तो राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए, राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहले का के मैच होगा ऑप्शन बी से, रॉबिन मर्फी रिपर्टी की कितनी थी थ्री। उसके बाद कितनी है बोरिक रिपर्टी, बोरिक रिपर्टी की किससे मैच होगी, ऑप्शन डी से दो थी बोरिक रिपर्टी। जे एच क्लार की कितनी थी, ये होगी वन, एंड सिंथेटिक रिपर्टी कितनी थी फोर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, बी डी ए सी। ठीक है, 75 का डी राइट आंसर है। रॉबिन मर्फी रिपर्टरी थ्री थी, बोरिक रिपर्टरी में ग्रेडेशन कितने थे टू थे, जे एच क्लार्क रिपर्टरी में वन एंड द सिंथेटिक रिपर्टरी में फोर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इन ग्रे हेपेटाइजेशन ऑफ लोबर निमोनियाज एल्वुलाई आर फिल्ड विथ फाइब्रिन ऑर्गेनिज्म एंड द आर बी सी एंड डब्ल्यू बी सी। इन ग्रे हेपेटाइजेशन ऑफ लोबर निमोनियाज एल्वुलाई आर फिल्ड विथ, राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए फिब्रिन। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कमेंसिंग एमोलोरेशन और एग्रावेशन इन ए पेशेंट, कंडीशन ऑफ लोकल पैथोलॉजी, स्टेट ऑफ माइंड एंड वूल, डिमेन्योर ऑफ द पेशेंट एंड द अपीयरेंसेस ऑफ द स्किन इरप्शन एंड इंक्रीज्ड ESR लेवल। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वूल, डिमेन्योर ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन भी आप लोग कई बार देखे होंगे, विंगिंग ऑफ स्कैपुला ड्यू टू डॉर्सल स्कैपुलर नर्व पाल्सी, सुप्रा स्कैपुलर नर्व पाल्सी, लॉन्ग थोरेसिक लंग पाल्सी एंड द मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व पाल्सी। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला किस कारण से होता है, राइट आंसर इज लॉन्ग थोरेसिक लंग पाल्सी की वजह से, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मर्फी साइन इज ए पॉजिटिव इन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट कोलेंजाइटिस एंड एक्यूट अपेंडिसाइटिस। मर्फी साइन इज ए पॉजिटिव इन, कब पॉजिटिव रहता है ये, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज नॉट सीन इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ट्यूबरक्यूलोसिस, थर्मल इंजरी एंड द जिंकर डिजनरेशन नेक्रोसिस। ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज नॉट सीन, किसमें दिखाई नहीं देता है ये पूछा गया है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ट्यूबरक्यूलोसिस, थर्मल इंजरी एंड द जिंकर डिजनरेशन नेक्रोसिस। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ट्यूबरक्यूलोसिस में कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 81। विच रेमेडी इज ए मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्लेंट फ्रॉम स्ट्रेनिंग स्पेशली फ्लेक्सर टेंडन, विच रेमेडी इज ए मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्लेंट्स फ्रॉम स्ट्रेनिंग स्पेशली इन द फ्लेक्सर टेंडन्स, रस्टॉक्स, बेलिस्पर्निसिस, रूटा एंड द आनिका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। एब्सेंस ऑफ पेन एंड मस्कुलर मोबिलिटी स्पेशली इन द मसल ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ लोकोमोशन इज एन इंडिकेटर ऑफ ओपियम, स्ट्रामोनियम, लैक कैनाइनम एंड बेलाडोना। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से अपन रिपीट देखते हैं। एब्सेंस ऑफ पेन एंड मस्कुलर मोबिलिटी स्पेशली इन द मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ लोकोमोशन इन इंडिकेटर ऑफ ओपियम, स्ट्रामोनियम, लैक कैनाइनम एंड बेलाडोना। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, स्ट्रामोनियम में हमको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। टोटल नंबर ऑफ ड्रग इन द कॉनकॉर्डेंस सेक्शन ऑफ BBCR, टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स इन द कॉनकॉर्डेंस सेक्शन ऑफ द BBCR 125, 141, 362 एंड द 464। तो राइट आंसर क्या आएगा, कितने रहते हैं इसमें, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड कट फॉर द एपिजियोटमी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड कट ऑफ एपिजियोटमी, जे सेप्ट, मीडियन, मीडियोलेटरल एंड द लेटर। तो राइट आंसर क्या आएगा, मीडियोलेटरल। ठीक है, मोस्ट प्रिफर्ड किया जाता है इन एपिजियोटमी में, मीडियोलेटरल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। द विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लू सेल्स इन ए स्टेंड स्मियर ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज इज ए हाईली सजेस्टिव ऑफ, द विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लू सेल्स इन ए स्टेंड स्मियर ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज इन हाईली सजेस्टिव ऑफ ग्रैंडियला वजाइनलिस, ट्राइकोमोनियसिस, कैंडियसिस एंड द कालमेडिया इन्फेक्शन। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ग्रैंडियला वजाइनलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द सोडियम पोटेशियम पंप इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। द सोडियम पोटेशियम पंप इज ए एग्जाम्पल ऑफ, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज ए कंसिडर द बेस्ट स्टेन फॉर द सर्वाइकल साइटोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन इज ए कंसिडर द बेस्ट स्ट्रेन फॉर द सर्वाइकल साइटोलॉजी, लिस्मैन, जिस्मा, पैप एंड एच एंड ई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पैप स्मियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सिंगल फ्लास्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी इज ए कॉल्ड क्रोस्काकोवियन एटुनेशन, हैनीमेनियन एटुनेशन, जेनिसचेन एटुनेशन एंड द स्किनर एटुनेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर कार्ड इपर्टी इज ए प्राइमरली बेस्ड ऑन कैंट इपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स कार्ड इपर्टी इज ए प्राइमरली बेस्ड ऑन द कैंट इपर्टी, मार्को जैमिनिस, मार्गेट ट्राइलर, पी संकरण या डब्ल्यू बोरिक। ठीक है, जिसे कि अपन विलियम बोरिक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, मार्गेट ट्राइलर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रियम वर्स एट 3 AM। अकॉर्डिंग टू बोनिंगहसन स्कीम ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी दिस सिम्टम कॉम्प्लेक्स हैज ए एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, तो ये आप लोग को 7 आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए बोनिंगहसन के, क्विज क्विड क्यूबई क्यूबियस एक्जिलस क्यूर क्यूमेडो क्यूनोडो। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से अपन रीड करते हैं। अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, पेन इन एपिगैस्ट्रियम है, वर्स किस समय होता है, मॉर्निंग में 3 AM में। अकॉर्डिंग टू बोनिंगहसन विच ऑफ द सिम्टोमेटोलॉजी दिस कॉम्प्लेक्स सिम्टम हैज ए एलिमेंट ऑफ, उबई एंड क्योर, क्यूमोडो एंड क्यूनोडो, उबई एंड क्यूनोडो एंड द क्योर एंड क्यूबियस ऑक्सिलस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उबई एंड क्यूनोडो। ठीक है, तो ये क्या हमको जगह और समय बता रहा है, ठीक है, उबई एंड क्यूनोडो। क्यूनोडो क्या टाइम के लिए है और उबई क्या है, पेन इन एपिगैस्ट्रियम एंड वर्स एट 3 AM। तो ये हमको जगह और समय बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विच सॉल्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्लेबर इन 1658 एंड इज ए नेम्ड एज ए सॉल मिराबिल, ठीक है, सैनिकुला, नेट्रम सॉल्व, मैक कार्व, नेट्रम फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, नेट्रम सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अ प्रीवियसली हेल्दी चाइल्ड ऑफ एज 2 years प्रेजेंटेड विद कॉलिकी पेन एंड वॉमिटिंग एंड बिटवीन द एपिसोड्स, द चाइल्ड वॉज ए पासिंग ए रेड करेंट जेली स्टूल, ऑन एग्जामिनेशन द चाइल्ड वॉज ए डिहाइड्रेट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हैड ए पैल्पेबल मास ऑन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केसेस। चलिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार। अ प्रीवियसली हेल्दी चाइल्ड ऑफ 2 years प्रेजेंटेड विद कॉलिकी पेन एंड वोमिटिंग एंड बिटवीन द एपिसोड्स, द
द चाइल्ड वॉज पासिंग ए रेड करेंट जेली स्टूल. ऑन एग्जामिनेशन द चाइल्ड वॉज डिहाइड्रेटेड विथ एबडोमिनल डिस्टेंशन एंड हैड ए पैल्पेबल मास ऑन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एबडोमन. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस इज कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटरसेप्शन, इस्केमिक कोलाइटिस एंड द अपेंडिसाइटिस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरसेप्शन. ठीक है, तो सारे इसको अच्छे से रीड करिएगा आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93. द मैक्सिमम ब्लड एल्कोहल लेवल अलाउ फॉर ड्राइविंग इन इंडिया. ठीक है, ड्राइविंग के लिए कितना एल्कोहल आपके ब्लड में होना चाहिए ये आपको बताना है इसमें. तो क्या क्या है, 20 mg%, 30, 50 and 80 mg%. तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, 30 mg% होना चाहिए मैक्सिमम ब्लड एल्कोहल लेवल अलाउड फ्रॉम ड्राइविंग इन इंडिया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94. ग्रैनुलेशन टिश्यू अपेयर ड्यू टू थ्रोम्बोज्ड कैपिलरीज, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, बर्डिंग एंड ऑफ कैपिलरीज एंड द नेक्रोसिस. बाहर के नॉइज के लिए थोड़ा सा मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहूँगी डिस्टर्बेंसेस के लिए, बट अपन क्या कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं. ग्रैनुलेशन टिश्यू अपेयर ड्यू टू थ्रोम्बोज कैपिलरीज, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, बर्डिंग एंड ऑफ कैपिलरीज एंड द नेक्रोसिस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बर्डिंग एंड ऑफ कैपिलरीज. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी हैज बीन रिकमेंडेड बाय हनीमन इन केस ऑफ विन्यूम्ड स्टेट ऑफ नर्व इन वन एंड वन साइडेड डिसीज. विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी हैज बीन रिकमेंडेड बाय हनीमन इन केस ऑफ विन्यूम्ड स्टेट ऑफ नर्व इन वन साइडेड डिसीज. ओपियम, वेलेरियाना, सोराइनम एंड स्ट्रामोनियम. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ओपियम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96. द टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉर फ्रॉम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज. सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, TIBC एंड ट्रांसफरिंग सैचुरेशन. ठीक है, तो क्या द टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज. तो कौन सा टेस्ट है जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है, वो है सीरम फेरेटिन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97. इफर ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन इज ड्यू टू रिस्पायरेटरी एयर पैसेज, एल्वुलर एयर स्पेस क्रिएटिंग नेगेटिव प्लूरल प्रेशर एंड द लंग इलास्टिसिटी. ठीक है, इफर ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन इज ड्यू टू, ऑप्शन डी, लंग इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98. द रेमेडी फॉर क्रॉनिक कंप्लेंट्स दैट डेट बैक टू सेप्टिक कंडीशन इज टेरेंटुला क्यूबेंसिस, पायरोजिनम, आर्सेनिक एल्बम एंड द वेरियोलिनम. द रेमेडी फॉर क्रॉनिक कंप्लेंट्स दैट डेट बैक टू सेप्टिक कंडीशन इज, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पायरोजिनम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99. रेनिन इज सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लैमुलर एपरेटस, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, येट कलेक्टिंग डक्ट एंड द लूप ऑफ हेनले एंड ऑप्शन डी क्या दिए गए है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, अपना आंसर टिक कर लीजिए. राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर ऑप्शन ए, जक्स्टा ग्लोमरस एपरेटस से. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, केरेटोडर्मा बेलेनो रेजिकम इज कैरेटिस्टिकली एसोसिएटेड विद रिएक्टिव आर्थराइटिस, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, SLE एंड द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिएक्टिव आर्थराइटिस. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा. और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा. और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिए, इस 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और फर्स्ट पार्ट जो रीजन का था उसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. तो इस तरह से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं और किस लेवल की आप लोग को तैयारी की ज़रूरत है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रीजन के साथ. तो अपनी तैयारी जारी रखिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.